या बड़ाके से टच हो जाएगा। काटने की तरीका देखिए, ये कोई भी सब्जी को हैंडल को पकड़ के केवल आपको चलाते जाएंगे, चिप्स निकलते जाएंगे। ऐसे वेफर और पापड़ी भजिया नमकीन जो भी आइटम बनाने का होगा, इस मशीन से हर एक सब्जी को काटेंगे। ऐसे काटकर आपके घर में ये तेल में या घी में या डल्ले में तलेंगे। इस तरीके से हर एक सब्जी को काटने की ये मस्त आइडिया है। ऐसे आपके घर में चिप्स बनेगा। ये कोई भी कटर उठाइएगा, इसी मशीन से देखिएगा प्याज, ये प्याज काटने का होगा। आप लोग प्याज को पहले छीलते हैं, इस मशीन से काटने का देखेंगे। प्याज को छीलने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा था। तरीका देखिएगा, प्याज को बारीक में या छोटा में काटना होगा तो इसमें बारीक के लिए क्रॉस लगाइएगा। देखिएगा, यही प्याज आपके घर में आप लोग पहले छीलते हैं उसके बाद काटते हैं। नेडल को जड़ के तरफ से इसको 20 से फिट करेंगे, ब्लेड को ऊपर से लगाना है। ऐसे घुमाएंगे, जब आकर प्याज या काना से टच हो जाएगा तो काटने की तरीका देखिएगा सर। नीचे थाली प्लेट को रखिए और केवल इसको पकड़ के आपको घुमाने का। ऐसे प्याज को काट के आपके घर में अंडा ऑमलेट, ये दाल फ्राई तड़का या मसाला डोसा के लिए आपके घर में जो भी आइटम काटने का होगा। ये कांदे को छीलना नहीं बाबू, ये छिलका अलग हो जाएगा। ऐसे आपके घर में ये कांदा बारीक कटता है, बोलिएगा। 50 रुपये की मशीन है और एक मशीन से हर सब्जी कटता है। इस मशीन से देखेंगे आपके घर में ये पत्ता गोभी कैबेज या बंद गोभी को काटने का होगा तो आप लोग कैसे काटते हैं। कोई भी सब्जी को काटने की तरीका देखिएगा, ये कैबेज को बारीक काटने के लिए क्रॉस मारेंगे। जितना बारीक काटने का होगा क्रॉस लगाकर ये नेडल आता है जड़ के तरफ से लगाना, प्लेट को ऊपर से लगाकर ऐसे घुमाएंगे। आपके पत्ता गोभी कैबेज से टच हो जाएगा। ये काटने की तरीका देखिएगा, नीचे थाली प्लेट को रखेंगे, केवल हैंडल को पकड़ के आपको चलाना है। ऐसे आपके घर में ये बंद गोभी को काटकर भाजी सब्जी ये जो भी आइटम बनाने का होगा, केवल आपको सैंपल बताते हैं। हर सब्जी को काटने की मस्त आइडिया है। और देखिएगा, इससे काटने का होगा, इधर से कोई भी आप मशीन उठाइए, आपके घर में ये बंगाल धोपे का चिप्स या वेफर बनाने का होगा, साइड में लगाकर केवल आपको चलाना है, ऐसे चिप्स निकलेगा। ये हर सब्जी को काटने की मस्त आइडिया है, बोलिएगा। ये 50 रुपये की मशीन और मार्केट की हर एक सब्जी को काटेंगे। इसी से देखेंगे, अगर प्याज को काटने का होगा तो आप लोग कैसे काटते हैं। कोई भी सब्जी को काटने का होगा, ये प्याज या कांदे को बारीक या छोटा पीस में काटेंगे तो इससे काटने की तरीका देखो ना। ये प्याज को बारीक में काटने के लिए आप लोग पहले छीलते हैं, इससे काटने के लिए प्याज को छीलना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे बारीक के लिए क्रॉस लगाइए। कोई भी सब्जी को जितना बारीक काटने का होगा क्रॉस लगाकर नडल आता है जड़ के तरफ से लगाएंगे, ब्लेड को ऊपर से लगाना। ये देखेंगे प्याज को छीलने की और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ये किसी भी सब्जी को काटने की मस्त आइडिया है। नीचे थाली प्लेट और इस तरीके से चलाना है। ये प्याज को काट के आपके घर में अंडा ऑमलेट, ये दाल फ्राई तड़का या मसाला डोसा के लिए आपके घर में इस प्याज का जो भी आइटम बनाने का होगा साहब, ये कांदे को छीलने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ये छिलका अलग हो जाएगा, बोलिएगा। ये 50 रुपये की मशीन है, हर मशीन को काटेंगे और इसी से कोई भी सब्जी बोला गया दे दो। और देखो, आपकी मशीन है, इसमें ये नहीं कि दिखाने का दूसरा और देने का दूसरा। कोई भी आप कटर उठाइएगा, मार्केट की लंबी सब्जी हो, मूली गाजर खीरा काकड़ी, किसी भी सब्जी को काटने का, ऐसे सलाद के लिए काट, हर सब्जी को काटने की मस्त आइडिया है। आपके घर बच्चों में रहेगा तो सेफ्टी सहूलियत आराम या फायदे के लिए
और किसी भी सब्जी को काटने के लिए। बोलिए, बोला गया, बोलो। और इस तरीके से हर एक सब्जी को काटेंगे। आलू को चिप्स काटने का होगा, ये देखो, ये पराठे को काटने के लिए साइड में लगाना है चिप्स के लिए, और ब्लेड को ऊपर से लगाकर ऐसे घुमाना है। आपके घर में ये कोई भी सब्जी को काटने का होगा, इस मशीन से मूली, गाजर, खीरा, काकड़ी, ये किसी भी सब्जी को काटना होगा, इसको केवल चलाना है, ऐसे आपके घर में मूली का सलाद बनता है। ये खीरा का सलाद बनता है, मार्केट की हर सब्जी को काटने की ये मस्त आइडिया है। और इसी से देखिएगा, ये चिप्स बनाने का होगा तो नीचे थाली या प्लेट को रखेंगे और इसको केवल चलाना है। आइडिया देखो साहब, इस तरीके से काट कर ये चिप्स, वेफर और पापड़ी, भजिया, ये जो भी आइटम बनाने का, इस मशीन से हर एक सब्जी कटता है। ऐसे बटाटे को काटकर इसको तेल में या घी में या डलडे में तलेंगे, आपके घर में चिप्स बन जाएगा, पापड़ी, भजिया, नमकीन, जो भी बनाने का होगा, इस तरीके से हर एक सब्जी कटता है। कोई भी सब्जी को काटने की मस्त आइडिया है, आपके घर बच्चों में रहेगा।